नमस्कार, जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। भाजपा द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के तहत रानी बाग मार्केट में ध्वज वितरण एवं तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस बार 76वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर पूरा देश उत्साहित रहा। भारत के कोने कोने में देशवासियों ने विशेष उत्साह व ऊर्जा के साथ आजादी के जश्न में भागीदारी की। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार ने घर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भाजपा द्वारा 13 से 15 अगस्त तक पूरे देश में आयोजित हो रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत शनिवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने शकुर बस्ती विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रानी बाग वार्ड में तिरंगा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया था। शनिवार को इसके साथ ही भाजपा द्वारा रानी बाग मार्केट में तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। इसमें 108 मीटर लंबे तिरंगे को लेकर लोग चल रहे थे। तिरंगा यात्रा में सैकड़ों बाइक पर सवार ऊर्जावान युवा शामिल हुए। कार्यक्रम में सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और मार्केट के दुकानदार को राष्ट्रीय ध्वज वितरित किया। तिरंगा यात्रा व राष्ट्रीय ध्वज वितरण कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली भाजपा के कार्यकारिणी सदस्य जोगिंदर खट्टर ने संयोजकता में हुआ था। इस अवसर पर जोगिंदर खट्टर के साथ भाजपा केशवपुरम जिला के अध्यक्ष राजकुमार भाटिया, पूर्व निगम पार्षद नीरज गुप्ता, वंदना जेटली, शकुरबस्ती विधानसभा क्षेत्र के चारों मंडल के अध्यक्ष पदाधिकारी, अन्य भाजपा नेता व कार्यकर्ता तथा क्षेत्रीय दुकानदार उपस्थित थे। जनमत की पुकार न्यूज, अभी मैं मौजूद हूँ रानीबाग मार्केट में, जहाँ पे डॉक्टर हर्षवर्धन घर घर दुकान दुकान तिरंगा बांट रहे हैं। उनसे बातचीत कराने की कोशिश करते हैं। देश का उन्होंने आह्वान किया है और हम 2047 में भारत विश्व गुरु बने, आत्मनिर्भर भारत बन जाए, उसके लिए अभी से तैयारियाँ हो रही है। सर, लोगों में कितना उत्साह है, दुकानदारों में? उत्साह आपको नजर नहीं आ रहा कितना उत्साह है? देखो, चारों तरफ तो फेस्टिवल की तरह जो है लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। भैया ऐसे ना उत्साह है यहाँ के दुकानदारों में? आप देखिए, आप अपने कैमरे को तकलीफ दीजिए जरा, दूर दूर तक अथाह सागर और तिरंगा। इस देश में लोग कह रहे तिरंगा नहीं मिल रहा, मैं कह रहा हूँ केवल तिरंगा ही मिल रहा है। ये तो आम आदमी पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं और कांग्रेस के लोग लगा रहे हैं। अच्छे दिन पे अच्छे लोगों की बात करते हैं। कितना उत्साह है यहाँ के दुकानदारों में? देखिए जयसवाल जी, आज हम लोग आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर रानीबाग क्षेत्र में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है। आज इस तिरंगा यात्रा में हमारे सांसद चांदनी चौक क्षेत्र के आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी और इसके साथ साथ केशवपुरम जिले के अध्यक्ष हमारे भाई राजकुमार भाटिया जी और इसी के साथ साथ आर्य समाज उत्तर पश्चिमी दिल्ली के लगभग 20 आर्य समाजों के हमारे सदस्यगण, 400 सदस्य हमारे आर्य समाज के, आर्यवीर दल के हमारे लगभग 250 हमारे बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं, तो 100 हमारी बाइक उपस्थित है। तो आप उत्साह देखिए, लगभग 600-700 लोगों के साथ आज ये हमने तिरंगे यात्रा का आयोजन किया है। भारतीय जनता पार्टी शकुर बस्ती और केशवपुरम जिला और इसके साथ साथ आर्य समाज उत्तर पश्चिमी दिल्ली ने तिरंगे यात्रा का आयोजन किया है। खट्टर साहब, जिस तरीके से राहुल गांधी कहते हैं कि आर्य और बीजेपी जनसंघ, बता दें कि आज़ादी की लड़ाई में उनका क्या योगदान था? जायसवाल जी, उस समय जो कांग्रेस पार्टी थी केवल, जनसंघ हालांकि बाद में आई, लेकिन उसमें भी आपको बता दूं, उस कांग्रेस पार्टी के जो सदस्य थे 80% से अधिक आर्य समाज के लोग थे, जिन्होंने उस स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया, जिन्होंने भारत की आज़ादी को आज़ाद कराने में लिया। यदि आप कांग्रेस की बात करते हो तो केवल और केवल 20% लोग थे जो उस स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थे। महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1857 की जो एक क्रांति लाई थी वो महर्षि दयानंद की देन थी। तो मैं इस जो हमारे राहुल गांधी जी की शायद जो नॉलेज होगी उन्होंने अधी अधूरी बात की है, लेकिन मेरे हिसाब से जनसंघ उसके बाद आरएसएस उसके बाद आर्य समाज भी, इन सब ने मिलकर के इस देश को आज़ादी दिलाई है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।